अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट गजाला मौजम। आज मैं आपको एक तो गुड मॉर्निंग आप सबको, आज मैं सुबह की वॉक कर रही हूँ और मेरा इरादा है कि आज मैं आपको अपने घर के फ्रंट यार्ड की सैर कराऊँ, सारे प्लांट्स के बारे में जो जो मैंने प्लांट्स किए हुए हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो पहले तो मैं अपनी वॉक कंप्लीट करूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अपने फ्रंट यार्ड हाउस के सैर कराऊंगी। ओके फ्रेंड्स, ये है मेरे घर का फ्रंट यार्ड और मैं आपको बारी बारी सब प्लांट्स के बारे में बताती हूँ ये मैंने किस तरह का सेटअप किया हुआ है। ये मैंने मरवा लगाया हुआ है और अभी इसकी कलियाँ निकल रही हैं। अभी एक दफ़ा ये फ्लावरिंग कर चुका है, अभी दोबारा से इसकी कलियाँ निकल रही हैं। और ये जो आपको वाइन नज़र आ रही है इसको गार्लिक वाइन कहते हैं और इसका बोटैनिकल नेम मॉन्सुआ अलियाका है और इसके बड़े खूबसूरत पर्पल कलर के फूल होते हैं और ये मेडिकल भी बहुत ही बेनिफिशियल है। इसका जो है कहते हैं कि इसके पत्तों का कावा बना के अगर आप पियेंगे तो स्वाइन फ्लू और जितने भी नमूनिया है या आपको बहुत सीवियर किस्म की कफ है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जोड़ों के दर्द के लिए कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। अभी तो इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी ये खाली अभी लीव्स ही हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब ये फूल देगा तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा और मैं फिर आपको अपडेट भी करूँगी। अच्छा जी, अब ये मेरे घर का फ्रंट साइड है तो मैंने जीनिया लगाया हुआ है, कुछ कासिया नर्दूसा है। इधर मेरा था कि थोड़ा डिफरेंट स्टाइल करूँ अपने फ्रंट गार्डन का, तो इसीलिए मैंने ये कासिया नर्दूसा लगाया है। कासिया नर्दूसा के भी बहुत खूबसूरत फूल निकलते हैं। इस साल इसने फूल दिए थे लेकिन बहुत कम, क्योंकि इसकी एज अभी मेच्योर नहीं हुआ था ये अभी। अब माशाल्लाह इसने काफ़ी स्टेम्स निकाल दिए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये ज़रूर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा होपफुली। और बहुत अच्छी इसने स्टेम्स निकाली हैं और काफ़ी इसने फैलाव कर लिया है अपना। बाकी ये सब मैंने मोर पंख लगाया हुआ है, कुछ हैच लगाया हुआ है, थोड़ा कंट्रास्ट किया है लाइट और डार्क का। इधर ये गुलचीन है, इस साइड पे मैंने ये फालसे का लगाया है प्लांट। इस साल इसने फ्रूटिंग की थी लेकिन थोड़ी कम की थी, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्रूट था इसका, बहुत मीठा, इसीलिए मैंने इसकी एयर लेयरिंग करने की कोशिश की है, देखें कि मुझे कामयाबी होती है या नहीं। और अगर आपने इसकी कटिंग्स भी लगानी है तो आपकी जो स्टेम है उसकी जो यहाँ से मोटाई है वो कम अज़ कम जितनी पेंसिल होती है ना उतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए यहाँ से। फिर आप इसको कट करके इसके जो नोट बने हुए हैं यहाँ से इसके पत्ते हटा के तो आप इसको लगा दें, इंशाल्लाह ये निकल आएगी। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता इसको। और बाकी ये मैंने पटोनिया लगाया हुआ है, मैक्सिकन पटोनिया है ये, और ये भी तकरीबन 5-6 महीने तो फ्लावरिंग करता है। और ये मेरे पाया ट्रीज हैं, ये मैंने ड्रॉप पाया ट्री लगाए थे लास्ट ईयर यही अगस्त सितंबर में ही, अभी इतने हाइट इन्होंने ले ली है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये ज़रूर फ्रूटिंग करेंगे। ओके जी, ये मैंने बर्ड फीडर बनाया है, खुद बनाया है, बहुत इजी है और पैसे की भी बचत है। हार्डली आप पे 200-250 खर्च होते हैं और आप एक अच्छा सा एक बर्ड फीडर बना के लगा दें।
बाकी ये मैंने खुबानी लगाई है, अब ये एलोवेरा लगा हुआ है, और ये चेरी प्लांट है। सारे मैंने मेच्योर प्लांट्स लेके लगाए हैं ताकि मैं जल्दी फ्रूट्स उसमें आएँ और मज़ा लें। और ये है जी गार्लिक लिली। अच्छा, गार्लिक का उसमें मैंने इसी वजह से ही ज़्यादा आपको, गार्लिक वाइन भी है, गार्लिक लिली भी है, क्योंकि ये जो है आपके घर में मच्छर नहीं आने देती है। इसके अगर आप स्टेम को हाथ लगाएंगे ना, बिल्कुल जैसे लहसुन की स्मेल होती है वैसे आती है। और ये भी बहुत अच्छा रहता है आपके घर, मच्छर मक्खी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं आती। और इसका यही है कि जब आप देखें कि इसकी ये स्टेम सूख गई है और इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इसको नीचे से कट कर दें ताकि जो ये ज़्यादा फ्लावरिंग करे। ये वजीनिया है, और ये पूरा मैंने लाइन में गार्लिक लिली, वजीनिया, वाइन्स सारी लगाई हैं। तो ये मेरे सारे कचनार ट्रीज़ हैं, इसमें स्प्रिंग में बहुत अच्छे खूबसूरत फूल निकलते हैं, और आपको पता ही है कि ये खाने में भी इस्तेमाल होते हैं, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। और ये मेरा एप्पल ट्री है, और ये बेजल्स हैं, दो किस्म के मैंने बेजल्स लगाए हुए हैं। इससे भी ये कि मच्छर मक्खी बहुत दूर भागते हैं, और इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर अभी मैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे निकली हुई हूँ और रोज़ मेरी मॉर्निंग वॉक होती है, तो मैं इसके चार पांच छह पत्ते तोड़ के तो ये खा लेती हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसमें, और ये आपको बहुत अच्छा, इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग करते हैं। और ये ज़रूर आप अपने घर में लगाएं, इसकी फ्लावर की बहुत स्मेल भी बहुत खूबसूरत होती है, तो ये ज़रूर आप अपने घर में लगाया करें, और क्योंकि इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये इंडियन जैस्मीन है, इसकी फ्लावरिंग क्योंकि मैं विंटर में होती है, अभी ये बड़ी अच्छी फ्लोरिश कर रही है, काफ़ी बढ़ गई है बेल। तो ये था मेरे घर के फ्रंट यार्ड का विज़िट, होपफुली आपको पसंद आया होगा, और जितनी मेरी हो सकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।